गुना शहर में दर्जन भर से ज्यादा पैथोलॉजी हैं, लेकिन आप किस पर भरोसा करते हैं और किस पर नहीं, यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप थोड़े से पढ़े लिखे और समझदार हैं तो इन पैथोलॉजी पर कभी भी अपना चेकअप नहीं कराएंगे। हम यहाँ किसी की तरफदारी करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि एक वाक्य जो एक गर्भवती महिला के साथ घटित हुआ उसकी बात बता रहे हैं। यदि समय रहते परिजन उक्त गर्भवती महिला का परीक्षण दूसरी जगह नहीं करवाते तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता था, जिसके चलते महिला की मौत भी हो सकती थी, वही बच्चे का गर्भपात भी संभव था। इसी के चलते महिला के परिजन एवं कुछ समाजसेवी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ हुई घटना को संक्षेप में बताया। हम आपको बता देते हैं कि आखिर यह मामला है क्या। कुमराज निवासी दुलियाबाई, जो कि गर्भ से थी, जिसके चलते परिजनों ने गुना में उसका इलाज कराने के लिए लेकर आए। यहां डॉक्टरों के द्वारा उसके खून की जांच करने के लिए भेजा गया, जिसके बाद उक्त महिला के परिजन उसे कंचन मेडिकेयर पर लेके गए, जहां उसका रक्त परीक्षण किया जाना था। महिला का रक्त परीक्षण होने के बाद पैथोलॉजी से जब रिपोर्ट प्राप्त की तो उसे महिला का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव लिखा आया। महिला के परिजनों ने जब कंचन मेडिकल द्वारा दी गई इस रिपोर्ट को अपनी 3 महीने पुरानी एक अन्य पैथोलॉजी की रिपोर्ट से मिलान किया, तब पाया कि महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जबकि कंचन मेडिकल की रिपोर्ट के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आया, जिसके बाद परिजनों ने महिला का पुनः परीक्षण कराने की सोची। इसके लिए महिला को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसका पुनः परीक्षण किया गया। इसके साथ एक अन्य प्राइवेट पैथोलॉजी पर भी महिला का ब्लड का चेकअप कराया गया, जहां दोनों ही जगह महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकला। अब सवाल यह उठता है कि कंचन मेडिकल जैसे एक विश्वसनीय पैथोलॉजी की रिपोर्ट इतनी गलत कैसे हो सकती है? यदि है तो किसी गंभीर बीमार व्यक्ति पर किस तरह से इस पैथोलॉजी के रिपोर्ट पर भरोसा कर सकता है? वहीं दूसरा पहलू यह है कि यदि इस पैथोलॉजी रिपोर्ट को सही मानकर परिजन महिला का इलाज कराने लगते तो महिला का क्या हश्र होता? इतना सब होने के बाद भी जिला प्रशासन आंखें मूंद कर कैसे बैठ सकता है? इससे पहले भी कई बार गुना की पैथोलॉजी के बारे में कई तरह की खबरें प्रकाशित भी की गई, कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन आज तक किसी भी पैथोलॉजी संचालक पर जिला प्रशासन ने कोई भी डंडा नहीं चलाया है, ना ही उन पर कोई कार्यवाही के नाम पर कागजी लिखा पड़ी भी की है। समझ से परे है कि किस तरह से पैथोलॉजी वाले अपने भरोसे को तोड़ देते हैं। कभी किसी को कुछ अलग रिपोर्ट तो किसी को कुछ अलग रिपोर्ट, ऐसा एक नहीं कई मामले गुना में पहले भी सामने आ चुके हैं। वहीं देखा जा रहा है कि अमूमन पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति जो कि सक्षम है, वे अपना इलाज गुना में कराना पसंद नहीं करता। इसका कारण ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ की रिपोर्टें बाहर जाकर कहीं भी मान्य नहीं होती हैं। वे अपने स्तर पर दोबारा से चेकअप कराते हैं, क्योंकि बाहर के डॉक्टर्स को भी पता है कि यहाँ के पैथोलॉजी वाले कभी कुछ कर सकते हैं। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आगे से कभी भी किसी पैथोलॉजी पर भरोसा करने से पहले एक बार जिला चिकित्सालय में अपना परीक्षण जरूर कराएं। 2-3 दिन पहले जिला चिकित्सालय में डायल 100 द्वारा लाई गई थी। कहाँ की हैं ये? कुमराज की हैं, और इन्होंने कंचन मेडिकल पर जांच कराई 18 मई को। तो कंचन मेडिकल पर इनका ब्लड ग्रुप बताया गया वो पॉजिटिव, और लेकिन यही जांच आज से 2 महीने पहले 23-3 को कराई थी, उसमें एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इनका बताया गया था। इसके बाद इनके परिजन करवाई थी दूसरी जांच, दूसरी जांच बिम पैथोलॉजी पे। इसके बाद परिजनों ने सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल पे यहाँ जांच कराई तो ये पॉजिटिव आई है। तो मतलब इसमें कंचन की जांच गलत है? हाँ, इसमें कंचन मेडिकल की जांच गलत पाई ऐसा लग रहा है हमको, कंचन मेडिकल की जांच है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस कंचन मेडिकल की जो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। अब इसमें आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हम अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगे और इसके बारे में उनको जानकारी देंगे कि गुना में ऐसी कई अवैध पैथोलॉजी चल रही हैं, जो गरीब किसानों के साथ, जो अनपढ़ किसान हैं उनके साथ जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।